अजय देवगन की लास्ट रिलीज फिल्म दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। वहीं अजय देवगन एक बार फिर रामनवमी के मौके पर एक्शन थ्रिलर फिल्म भोला के साथ सिनेमाघरों में पहुंचे। इस फिल्म के रिलीज से पहले ही काफी बस था और भोला का पहले दिन ऑडियंस ने सर माथे पर बैठाया है। भोला बने अजय देवगन की एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन की भी जमकर तारीफ हो रही है। क्रिटिक्स ने तो फिल्म की काफी सराहना की, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने भोला को फुल पैसा वसूल फिल्म बताया। इस बीच फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं। चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं अजय देवगन स्टारर भोला ने आखिर पहले दिन टिकट खिड़की पर कितने करोड़ रुपए बटोरे। अजय देवगन ने भोला में दमदार एक्टिंग तो की ही, वहीं उन्होंने एक बार फिर इस फिल्म से अपने डायरेक्शन का लोहा भी मनवा दिया। फिल्म में अजय के साथ ही तब्बू को भी भोला की जान बताया जा रहा है और एक बार फिर पर्दे पर इस जोड़ी का जादू चल गया है। एक्शन थ्रिलर फिल्म ने ऑडियंस का खूब एंटरटेनमेंट किया। वहीं अब इस फिल्म की कमाई के पहले दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए, जिसके मुताबिक अजय देवगन की फिल्म की ओपनिंग काफी अच्छी खासी रही। क्रिटिक तरण आदर्श ने भोला की पहले दिन की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 11.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। जी हाँ, हालांकि भोला की पहले दिन की कमाई अजय देवगन की लास्ट रिलीज दृश्यम 2 के ओपनिंग कलेक्शन से कम रही। दरअसल दृश्यम 2 ने रिलीज के पहले दिन 15.38 करोड़ रुपए बटोरे थे। मेकर्स को वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में और उछाल आने की उम्मीद है। भोला में अजय देवगन और तब्बू के अलावा दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, अमाला पॉल और गजराज राव सहित कई कलाकारों ने कमाल की एक्टिंग की है। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई तमिल फिल्म कैथी की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। वेल, अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर नहीं देखी है तो क्या आप भी इस फिल्म को देखने के लिए जाने वाले हैं? जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही बॉलीवुड की ऐसी न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।